इंदौर के चोरल में गांव में तेंदुए ने 7 वर्ष की बच्ची पर हमला कर दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। बच्ची रात को अपनी मां के साथ झोपड़ी के बाहर सो रही थी। घटना बुधवार देर रात 2 बजे सिमरौल थाना क्षेत्र के चोरल रेंज के मेंडल गांव की बताई जा रही है, जहां 7 साल की बच्ची रुबीना अपनी मां के साथ झोपड़ी के बाहर सो रही थी, तभी तेंदुए ने बच्ची पर हमला कर दिया। शोर सुनकर गाँव के लोग भी आ गए। ग्रामीणों ने पत्थर फेंककर बच्ची को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तेंदुए ने बच्ची का गला दबा दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। तेंदुए के दांत गले के अंदर तक जाने से बच्ची की सांस रुक गई। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। परिजन इलाज के लिए मासूम बच्ची को अस्पताल तक नहीं ले जा सके। बच्ची के माता पिता गाँव और जंगलों में मजदूरी करते हैं, इसके चलते जंगल में ही झोपड़ी बनाकर वे लोग रहते हैं। उनको रहने के लिए सरकार ने पट्टा दिया है। वन विभाग ने बताया कि चोरल रेंज में तेंदुए के मूवमेंट होते रहते हैं, इसी दौरान कई बार हमले की घटनाएं सामने आती रहती हैं। सर, चोरल में आज एक घटना हुई है, तेंदुए ने बच्ची को अपना शिकार किया है, सर किस तरह की घटना है और इसमें क्या कारण है? ये घटना रात्रि के समय की है, लगभग 2 से 3 के बीच। एक 2 परिवार हैं, इसमें से एक को वन अधिकार पट्टा भी मिला हुआ है। ये हमारे चोरल में दूधिया बावड़ी कक्ष में कंपार्टमेंट नंबर 205 में ये लोग निवासरत है। उनकी झोपड़ी के सामने बाहर ही सो रहे थे खटेड़ा डाल के, तो तभी तेंदुए ने उन पर, बच्ची कोने में सोई हुई थी उस पर अटैक कर दिया और बच्ची को घायल कर दिया। उस समय ऑन द स्पॉट ही बच्ची की डेथ हो गई। अभी वर्तमान में उनको इमीडिएट हेल्प के लिए हमने जो 20,000 की राशि दी है, और अभी एक दिन के अंदर कल तक उनको जो 4 लाख का जो शासन द्वारा निर्धारित मुआवजा है वो उनको दे दिया जाएगा। और साथ ही गांव में और सभी जगह हिदायत भी दी है कि लगातार मूवमेंट है तेंदुए का, उसके लिए वो सतर्क रहें, अपने पशु बाहर नहीं छोड़ें और ख़ुद भी बाहर नहीं सोएं। नहीं, कोई घायल नहीं हुआ, केवल बच्ची पर अटैक किया था, उसी को ही ऑन द स्पॉट बच्ची की डेथ हो गई, बाकी किसी लोगों को कोई चोट नहीं पहुंचाई।